बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं बाहर आई हुई, तो ये देखे जी मेरे बाएं तरफ जी आपको काफ़ी ज़्यादा जानवर नज़र आ रहे होंगे। तो माशाल्लाह जी ये कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं। और इस तरफ दाएं तरफ देखें जी, ये दिखाएंगे दूर तक जी आपको दुबे दुबे घास नज़र आ रही है। तो जहाँ भी जी इनको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं घास वगैरह, तो ये फिर जी वहाँ पे डेरा डाल लेते हैं। वहाँ पे उनका डेरा भी थोड़ा दिखाते हैं, जो कपड़े वगैरह उन्हें डाले हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि 3 बजे तक हम इधर ही हैं। तो इनसे पूछते हैं जी कीमतें इनकी और आपके साथ शेयर करते हैं, अगर हमारा कोई रेट लग गया तो क्या पता हमें यहाँ से कुछ जाना। अच्छा, ये दुम्बी है? जी ये इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत तकरीबन 30,000। 30,000 ये जी 30,000 की ये दुम्बी बता रहे, कहते हैं ये दुम्बी है तो इसकी 30,000 है जी रेट। तो ये जो पूरा सा है ये इसकी कुर्बानी हो जाती है? ये हो जाता है, ये हो जाएगा तकरीबन 22,000 का। ये भी 22,000 का है ये जी, 22,000 का। वो दुम्बा छोटा दिखाएं, ये जो सीधा, ये 22,000 के थे, ये 28,000। ये 28,000 का, ये देखें जी व्यूअर्स, ये आपको कीमतें बता रहे हैं साथ साथ 28, 30 और 22। ये जी इनके रेट हैं 22 से लेके 40 तक है सारा। ये जी बता रहे हैं कि 22 से लेकर 40 तक यही रेट है इनका। तो ये एक सफ़ेद कलर की मुझे नज़र आई है। जब इनके पास जाते हैं व्यूअर्स तो ये बकरियां, ये भेड़े जी जो दुम्बे अब भागने लग जाती हैं। इसका बेटा क्या रेट है? इसके बाद 19,000। तो ये माशाल्लाह काफ़ी, ये जो दुम्बी है जी उनके वो रेट कितने बताते हैं? ये भी उनके ही दुम्बे हैं। तो ये आप हमें कह रहे हैं कि ये कुर्बानी का तो इन्होंने कल माल बेच दिया है, तो आप इन्होंने ये अपने लिए रखा हुआ अगले साल बेचे। तो वो देखिए उन्होंने नीचे डाले हुए हैं, वो लेटे हुए हैं। भाई दिखाएं ज़रा, ये जहाँ जी ये बकरियाँ चराने, ये भेड़े चराने जाते हैं, तो ये दरख्त की छाँव देखें, तो इसके नीचे इनको रेस्ट मिल रहा है, आराम फरमा रहे हैं ये। ये देखें इनकी ये चीज़ें हैं जी जो ये साथ साथ रखते हैं। तो साथ ये मसल्ला है जी, ये ख़ास चीज़ इनकी, देखें माशाल्लाह इसके ऊपर जी नमाज। ये देखें ये सब जी इनके कपड़े हैं। ये कहते हैं कि जहाँ भी हमें थोड़ा आरामदेह चीज़ मिलती है, ये घास वगैरह अच्छा होता है, छाँव होती है इस तरह, तो ये नीचे जी बिछा के सो जाते हैं। ये दिखाते हैं जी आपको इनके ये वाले जानवर। अच्छा इधर बेटा इसका क्या रेट होगा? इसका अच्छा, इसका 27,000 है। अच्छा अच्छा इसको, अच्छा ये जी 60,000 का है माशाल्लाह जी, बड़ा ये तो पला हुआ है दुम्बे। ये कितने का है? ये तकरीबन 60,000 का हो जाएगा। 60,000 का माशाल्लाह, देखे जी काफी बड़ा है और पला हुआ है जी। लाट इसकी देखें पीछे, कह रहे हैं जी ये 60,000 का है। और इनके रेट जी बिल्कुल मुनासिब है। ये बेटा कितने की होगी? ये तकरीबन 19,000 का हो जाएगा भाई। 19,000 है? 19,000, हाँ काफ़ी सही रेट है, इतने ज़्यादा रेट नहीं है, बिल्कुल सही है। पर आपने बेचने नहीं है ना? नहीं बेचना ना, अगर भाजी बेचना तो हम दे देंगे। हाँ दे देगा वो जो है ना, वो कौन सा रेट पर कौन सा सामने जड़ खड़ा है? 70,000 का कौन सा? ये जो कोई 70,000 का बता रहे हैं, महंगे वाला बेचना है इन्होंने, सस्ते वाला नहीं बेचना। कोई किसी ने मुनासिब लेना हो तो फिर इतना महंगा ना लेना हो। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई जी ये तो वाकई पला हुआ ही है जी बकरा दुम्बा। ये कह रहे हैं जी ये 70,000 का है। ये देखिए इधर जी छाँव है, तो दरख्तों की छाँव के नीचे जी ये चर रहे हैं सारे। अच्छा इससे कोई मुनासिब रेट में नहीं होगा? ये सारी जी सात ज़मीनें हैं। और उधर वो मेरे ख्याल में गायें हैं, वो आपके हैं? नहीं वो इधर इधर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने जी गाय चरा रहे हैं। आजकल कुर्बानी का सीज़न है ना, तो सब ये ले के बाहर निकले हुए हैं। तो ये कह रहे हैं जी कुर्बानी के जानवर तो हमने बेच दिए हैं, तो अब ये एक आध जो है 60-70 का इन्होंने बताया है, लेकिन ये हमारे लिए आए हैं। तो ये बता रहे हैं कि जहाँ हमें रात आती है उधर ही हम सो जाते हैं।
का घर गुजरात में है और ये वजीराबाद है, तो रास्ते में फिर जहाँ जमीनों पर सो जाते जमीन पर, रोटी वगैरह किस तरह खाओगे? रोटियां भी खुद पकाने का बालन थोड़ा कटा किया है कुछ ऐसा। अच्छा, इसमें राशन है? हाँ जी, ये इसमें जी राशन बता रहे हैं। ये आटा है ना, ये आलू है, आलू यार कुछ है। आलू किधर है? आलू ये है, ये देखिए राशन है, ये आटा है, आटा। अभी कह रहे हैं जी इधर हम चूल्हा बनाएंगे, तो देखिये जिनका काम ही इसी तरह का है, इन्होंने सारा दिन जी जानवर ही चराने हैं। तो 5-6 महीने हो गए गुजरात से निकले हैं। 5-6 महीने से निकले हुए? मैंने नारोवाल तक की वापसी आई है। अच्छा, ये देखे बता रहे हैं कि नारोवाल हम गए हुए थे, नारोवाल से आगे वो वापसी जा रहा गारा, और मुंजी का मौसम है, मुंजी इलाका बंद हो गया। अच्छा जी, समझ आ गई। वो कह रहे हैं जी आप ये देखें जी, यहाँ पे चावल की काश्त हो रही है, पनीरी लग रही है, तो ये रास्ते बंद हो गया क्योंकि इन्होंने अभी वो जगह नहीं है ना इनके चराने की। जी ऐसा जगह बंद हो गया, सारा पानी खड़ा है, पानी खड़ा है, वापसी जा रहे हैं, वापस हो गए हैं। तो अब ये फिर किधर से खाएंगे? अभी उधर है पिंबर में चुगना लगा पड़ाया कूलर। अच्छा, जिधर ये रहते हैं वही ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत है इस तरह का घास वगैरह, वहाँ से ये चार लेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, जानवरों के साथ जानवर होना पड़ता है, और कितने कितने दिन नहाना भी नहीं है। एक महीने बाद कह रहा है कि नहाते हैं, जहाँ पानी देखा नलका देखा। ये भाई भी लेटे हुए हैं इधर, और ये देखें जी ये छोटा बच्चा भी है साथ, हस्बैंड भी आ गए हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर फरोख्त हो चुके हैं, कोई भी नहीं बेचने वाला। नहीं, कितने वो बकरे बताए हैं इन्होंने, कोई 60,000 का, कोई 70 का। ये भी वो सांड बताए ना, 5 दाना सांड रखे, वो भी है, ये भी है, दो दाना वो। ये भी जी आज की हमारी शेयरिंग दुम्बो के साथ जो मैंने आपके साथ की है, कोशिश तो हमारी थी कि हमें को मुनासिब रेट पे बकरा मिल जाए, दुम्बा मिल जाए। कल जी वो उन्होंने मंडी लगाई हुई थी, वहाँ पे इन्होंने जी सारे बेच दिए हैं, तो अब ये माल जो है इन्होंने अपने लिए रखा होता है, जिससे ये जी पैदावार करते रहते हैं। तो उम्मीद है जी आपको आज की ये छोटी सी जो शेयरिंग है वो पसंद आएगी, और देखिए कितना प्यारा जी यहाँ पे मौसम है, ठंडी हवा चली हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है जी। तो अब आपसे जी इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहेंगे, और आइंदा किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, और हस्बैंड वाइफ आपसे रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि जी हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए, और हमारी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।